जब्त अवैध बाल गृह की। भोपाल के बाद अब इंदौर में भी अवैध बाल गृह का खुलासा हुआ है। यहां से 3 बच्चियां भी लापता बताई जा रही है। प्रशासन की नाक के नीचे कब से चल रहा था लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। भोपाल में भी कुछ इसी तरह से अवैध बाल गृह का खुलासा हुआ था। आपको याद होगा पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई थी। अब सवाल आता है कि आखिर कितने अवैध बाल गृह प्रदेश में चल रहे हैं। इंदौर में चल रहे अवैध बाल गृह को फिलहाल सील कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट देखिए। पहले राजधानी भोपाल, अब इंदौर। मध्य प्रदेश में कितने अवैध बाल गृह। इंदौर में अवैध बाल आश्रम सील। बिना पंजीयन के चल रहा था एनजीओ। पहले राजधानी भोपाल और अब इंदौर में अवैध बाल गृह पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इंदौर के विजयनगर इलाके में अवैध बाल आश्रम को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि आश्रम में 25 में से 3 बच्चियां लापता हैं। तीनों बच्चियों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। बिना अनुमति के यहाँ बच्चियों को रखा गया था। इसमें बच्चियों को यहाँ से दूसरी जगह बाल आश्रम में शिफ्ट किया जा रहा है और हॉस्टल को सील किया गया है। यहाँ के जो भी रिकॉर्ड्स थे, दस्तावेज थे, उनको कस्टडी में लिया गया है। उनकी अब हम जांच करेंगे। कितनी बच्चियाँ यहाँ पे मिली, कितनी मिसिंग हैं? यहाँ 21 बच्चियाँ, 25 बच्चियों का रजिस्टर में रिकॉर्ड है। उसमें से 21 बच्चियाँ यहाँ थी। 4 बच्चियों के जो रिकॉर्ड में रजिस्टर में नाम लिखा है वो नहीं है, तो उसमें से एक बच्ची अपने घर पे पाई गई है। उससे हमने व्हाट्सएप पे बात भी की है, वीडियो कॉलिंग करके उससे बात भी की है। प्रशासन की अगर माने तो एनजीओ बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। प्रशासन ने वात्सल्यपुरम जैन चैरिटेबल ट्रस्ट को सील कर दिया है। साथ ही मामले की जाँच की जा रही है। शासकीय अनुमति के ये नहीं रख सकते यहाँ पे, और इन्होंने इस अवैध तरीके से रखा था। इसमें कुछ बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हैं और उन बच्चों को भी इन्होंने अपने पास रखा था। अपनी संस्था को अनाथ आश्रम के नाम से ये लोग चला रहे हैं, जो कि अवैध है, अवैधानिक है। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मुलाकात की। हाल ही में भोपाल के अवैध बालिका गृह मामले में बाल आयोग ने संज्ञान लिया था। भोपाल के बाद इंदौर में दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जहां अवैध रूप से बाल गृह चलाने की बात सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर प्रदेश में ऐसे कितने बाल गृह हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं, क्यों प्रशासन की इन पर नजर नहीं। एसडीएम कहना है कि पूरे मामले की कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अगले साथ मिथिलेश गुप्ता, News18 इंदौर। तो चलिए अब आपको बताते हैं खेल से जुड़ी एक बड़ी खबर। इंदौर में 14 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 मुकाबला होगा। इसको लेकर लोग खासे उत्साहित भी हैं, लेकिन उससे पहले टिकट की कालाबाजारी की खबर आपको बता देते हैं। 2 तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में स्टेडियम में खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वही एक और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कुछ टिकट नजर आ रहे हैं। लेकिन मैच से पहले दरअसल यहाँ पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। टिकट की कालाबाजारी की सूचना पर कार्रवाई की गई है और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं संभवतः उन्हीं लोगों की है जो टिकट की कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए हैं। और आपको एक तरफ प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ी दिखाई देंगे और एक तरफ टिकट की कालाबाजारी करते हुए जो आरोपी पकड़े गए हैं वो। तो चलिए अब आपको बताते हैं खेल से जुड़ी एक बड़ी खबर। इंदौर में 14 जनवरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 मुकाबला होगा। इसको लेकर लोग खासे उत्साहित भी हैं, लेकिन उससे पहले टिकट की कालाबाजारी की खबर आपको बता देते हैं। 2 तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में स्टेडियम में खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वही एक और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कुछ टिकट नजर आ रहे हैं। लेकिन मैच से पहले दरअसल यहाँ पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने कालाबाजारी का पर्दाफाश किया है। टिकट की कालाबाजारी की सूचना पर कार्रवाई की गई है और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं संभवतः उन्हीं लोगों की है जो टिकट की कालाबाजारी में संलिप्त पाए गए हैं। और आपको एक तरफ प्रैक्टिस करते हुए खिलाड़ी दिखाई देंगे और एक तरफ टिकट की कालाबाजारी करते हुए जो आरोपी पकड़े गए हैं वो। उधर इंदौर क्राइम ब्रांच ने भारत अफगानिस्तान T20 क्रिकेट मैच के टिकट की कालाबाजारी का पर्दाफाश किया। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस ने 86 टिकट इनसे जब्त की है और साथ ही 7 आरोपियों को धर दबोचा है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच को टिकटों की कालाबाजारी के मुख्य सरगना की तलाश है। आरोपियों से पूछताछ के बाद बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, पुलिस की ये उम्मीद है। तो इंदौर में
मैच से पहले बाजी का शौक कैसे आपको भारी पड़ सकता है, और अगर आप चाइनीज मांझे के साथ पतंग उड़ाते हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल हुआ क्या वो आपको बताते हैं। उज्जैन में पतंगबाजों पर प्रशासन बेहद सख्त है, साफ कर दिया है कि किसी के पास चाइनीज मांझा मिलता है तो उसे जेल जाना होगा। साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों से चाइनीज मांझा का इस्तेमाल ना करने की भी अपील की गई है। सावधान, पतंगबाजी पड़ेगी भारी। पतंगबाजों पर ड्रोन से पैनी नजर, चाइनीज मांझा मिला तो होगी जेल। यदि कोई भी व्यक्ति चाइना डोर के साथ पकड़ा गया तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौत के मांझे पर पुलिस की हिदायत। चाइना डोर से कोई भी पतंग नहीं उड़ा है। मकर संक्रांति का पर्व पास है, ऐसे में पतंगबाजी जमकर होगी, लेकिन अब पतंगबाजों पर पुलिस की पैनी नजर है। नजर के साथ पुलिस पतंगबाजों से अपील भी कर रही है। चाइना डोर अगर आपके पुराने रखा हो तो उसको नष्ट कर दे। चाइना डोर से कोई भी पतंग नहीं उड़ा है। जानलेवा चाइनीज डोर से होने वाले मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। पुलिस की ओर से चाइनीज डोर खरीदने और बेचने वालों पर नजर रहेगी। पुलिस की टीम इसके लिए ड्रोन से भी नजर बनाएगी। शहरी क्षेत्रों में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस ने हिदायत दे दी है। डोर के संबंध में आपने देखा, पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर के द्वारा काफ़ी सख्ती बरती जा रही है, और बीते वर्ष की घटनाओं को दोबारा ना हो उन घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने बड़े व्यापक निर्देश दिए हैं। और इसी तात्पर्य में आज हमने जो है लोगों की छतों पर जाकर के जो ड्रोन से उनके घरों पर देखा है, और चाइना डोर अगर मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। और लोगों से भी हमारी अपील है कि चाइना डोर को यूज़ ना करें, लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो सभी से अपील भी है और हम उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे अगर कोई इसको उड़ाता हुआ देखा जाता है। थैंक यू। सख्ती के साथ पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। रोड से निकलने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उज्जैन SP ने चाइनीज मांझा बेचने वाले को दो टूक कहा है कि अगर कोई भी चाइनीज मांझा बेचते हुए मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो खुद इस काम को ना करके चाइना डोर को अपने घरों में रखते हैं, महिलाओं के माध्यम से बिकवाते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति चाइना डोर के साथ पकड़ा गया तो उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आप ये मान के चलिए आपका जो बाकी का समय है वो जेल के अंदर निकलेगा। हमें इस चीज़ की भी जानकारी है, सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम या फेसबुक, इंदौर से जो ग्रुप्स हैं जो इसको संचालित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने डेडिकेटेड नंबर्स दे रखे हैं किसी को अगर वहां जाके खरीदना है, तो ऐसे लोगों पर भी हमारी कड़ी निगाह है। पिछले दिनों उज्जैन में ही चाइनीज मांझे के कारण एक शख्स घायल हो गया था। हर साल चाइनीज मांझा लोगों की मौत का कारण बनते हैं, यही वजह है कि इस बार प्रशासन पहले से ही सख्ती कर रहा है ताकि चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करने वालों पर नजर रखी जाए। उज्जैन से अजय पटवा, News 18। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे चाइनीज मांझा खतरनाक है, जिसकी वजह से पुलिस और प्रशासन लोगों से इसका इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहा है। देखिए, होता क्या है कि 5 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है इस चाइनीज मांझे को बनाने में, और कई तरह की धातुओं का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल्मोनियम ऑक्साइड और लेड। इन तमाम धातु से मिलकर चाइना डोर बनता है। इस मांझे को कोई नहीं काट सकता है, और इसमें क्योंकि मेटल मिला होता है इसीलिए इससे करंट का भी खतरा होता है। तो ध्यान रखिए कि जो आपका शौक है अगर वो किसी दूसरे की जान पर भारी पड़ रहा है तो ऐसे शौक का कोई फायदा नहीं है। चाइनीज मांझे पर बैन लगा हुआ है, फिर भी धड़ल्ले से इसकी बिक्री हो रही है। बैन के बाद मांझा मिलने पर सजा क्या हो सकती है आपको, अब उसके बारे में आप जान लीजिए। तो सजा का ऐसा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2017 ने इस पर बैन लगा दिया था। इसके बाद इसकी खरीद और बिक्री अगर आप करते हैं तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी देने का प्रावधान है। सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप भी चाइनीज मांझे या चाइनीज डोर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इससे बचना चाहिए। और अब बढ़ते हैं आगे।